बिग बॉस सीजन 14 जब से शुरू हुआ है तब से वीकेंड के जो वार हैं वो इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं कि सारे फैंस, इनफैक्ट हमारी जो टीम है, हम सब लोग इतना वेट करते हैं कि कुछ ना कुछ नया इस बार निकलेगा, सलमान खान नया लेकर आएंगे। जैसे कि संडे के वीकेंड के बारे में आपने देखा था कि सलमान खान ने सारे कंटेस्टेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी थी कि उन्हें अभिनव शुक्ला, जान कुमार सानू और शहजाद से इन तीनों में से किसी एक को चूज करना है जो इस घर में नहीं रहना चाहते, जो इस घर में नहीं रह सकते। सो इस वजह से सारे कंटेस्टेंट ने मिलकर शहजाद देओल का नाम लिया, जो हमने सोमवार के वार में एपिसोड में देखा। इसमें शहजाद का नाम लेने के बाद जो तूफानी सीनियर्स हैं उन्होंने भी शहजाद का नाम लिया, लेकिन हम सबको लगा कि शहजाद अब एलिमिनेट हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। सलमान खान ने शहजाद देओल से कहा कि तुम्हारा गेम तो ओवर हो चुका है, लेकिन तुम इस घर में ही रहोगे, घर से बाहर नहीं जाओगे, पर पूरा एक हफ्ता तुम एज अ गायब कंटेस्टेंट रहोगे, यानी कि ना किसी मैटर में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ना किसी टास्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ना ही किसी घर के डिसीजंस में वो अपना मत रख सकते हैं, ओपिनियन रख सकते हैं, जिस वजह से वो घर में एज अ गायब कंटेस्टेंट रहेंगे। और जैसे कि दूसरे घर वालों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एज अ कंफर्म्ड कंटेस्टेंट होने की, तो उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जिसे सुनकर शहजाद देओल थोड़ा सा सैड जरूर हुए थे, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल रहे, वो घर में ही है। और ये जो ट्विस्ट है वो आगे चल के पता चलेगा कि शहजाद देओल को घर में अब तक क्यों रखा है। उसके बाद बिग बॉस ने और सलमान खान ने टास्क दिया सारे घर वालों को कि वो जिन्हें टारगेट कर रहे हैं, जिन्हें वो घर में देखना नहीं पसंद करते हैं, उन्हें टारगेट बोर्ड पर लेके जाना पड़ेगा और वहां पर जाके उन्हें फोम स्प्रे करना पड़ेगा उनके चेहरे पर, जिसमें से शुरुआत तो होती है कि जो रूबीना है वो एजाज खान को स्प्रे मारती है। उसके बाद ऐसे एक 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 कंटेस्टेंट्स आते हैं और अपना जो टारगेट है वो अपनी दिल की बात सबके सामने लेकर आते हैं, लेकिन उसी बीच निकी तांबोली और अभिनव शुक्ला के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि निकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी कि अभिनव शुक्ला को वो एज अ टारगेट क्यों देख रही है, लेकिन अभिनव शुक्ला कहते हैं कि चलो चलो जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, जिसे सुनकर निकी तांबोली जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो कहती है ठीक है ये ले लो, मैं तुम्हें फोम स्प्रे कर रही हूँ। ये जो ड्रामा देखा कल हमने वो इस टास्क में हुआ, लेकिन अगला जो टास्क था वो तूफानी सीनियर्स के लिए था। तूफानी सीनियर्स को सलमान खान ने कहा कि आपके सामने दो टीवी स्क्रीन्स रखी हुई हैं, उन दो टीवी स्क्रीन्स में दो कंटेस्टेंट्स जाके रुकेंगे, और दो कंटेस्टेंट्स में से ऐसे कोई एक कंटेस्टेंट का नाम बताओ जिन्हें आप घर में और ज्यादा देखना चाहती हैं, जिनका फ्यूचर है बिग बॉस सीजन 14 में। तो सारे कंटेस्टेंट्स एक एक करके आए, जैसे कि पहले पवित्र पुन्या और रूबीना आए, लेकिन जो तूफानी सीनियर्स है उनके जो मत थे, ओपिनियंस थे, वो कुछ अलग थे, जिसे सुनने के बाद सलमान खान कहते हैं कि किसी एक डिसीजन पर आओ और मुझे से चार कंटेस्टेंट के नाम बताओ जो इस घर में बिग बॉस सीजन 14 में आगे तक चल सकते हैं। तो सारे तूफानी सीनियर्स ने मिलके एक एक करके डिसाइड किया। तो पहले तो उन्होंने रूबीना दिलैक का नाम लिया, उसके बाद पवित्र पुन्या का, उसके बाद जान कुमार सानुकार और फिर उसके बाद अभिनव शुक्ला का, यानी कि ये जो चार कंटेस्टेंट्स हैं इनका घर में फ्यूचर है ऐसा देखा गया है, और तूफानी सीनियर्स को भी यही लगता है। लेकिन आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं एक नया गेम, अपकमिंग गेम, लेकिन ये जो अपकमिंग गेम है वो हमें कल के एपिसोड में पता चल गया था। दरअसल जो सलमान खान है उन्होंने सोमवार के वार में जब ये एपिसोड खत्म हो रहा था तब एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट लाया, वो ये था कि जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्हें चूज करना है तूफानी सीनियर्स, यानी कि गौहर खान, हीना खान और सिद्धार्थ शुक्ला, इन तीनों में से वो किस टीम में जाना चाहते हैं, उस टीम को वो चूज करना चाहते हैं, इसका नाम लेना था। तो सारे कंटेस्टेंट्स ने सोचकर समझकर जो टीम है उसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला की टीम में है एजाज, पवित्र पुन्या और निकी तांबोली, वहीं गौहर खान की टीम में है जान कुमार सानू और राहुल वैद्य, और हीना खान की टीम में है रूबीना, अभिनव शुक्ला, जासमिन और निशांत। तो ये जो टीम है तीनों टीम्स बन चुकी हैं, तीनों टीम्स में अलग अलग कंटेस्टेंट्स हैं, और ये जो तीन टीम है अब आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे एक दूसरे से लड़ते हैं और ये एक टास्क जीतना चाहते हैं, क्योंकि सलमान खान ने कहा है कि आने वाले जो दो हफ्ते हैं बहुत ही क्रूशल होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं सारे कंटेस्टेंट्स के लिए, क्योंकि जो कंटेस्टेंट्स अभी फ्रेशर हैं, वो टू बी कंटेस्टेंट हैं, टू बी कंफर्म कंटेस्टेंट हैं, उनकी जर्नी इस दो हफ्ते में पता चल जाएगी कि वो कंफर्म्ड कंटेस्टेंट हो सकते हैं कि नहीं। इसी वजह से ये टीम बनाई गई है, और इन तीन टीम्स में क्या होता है, ये जो तीन लीडर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो कैसे अपनी टीम्स को हैंडल करते हैं और कैसे टास्क जीतने हैं, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है देखने में। और बिग बॉस सीजन 14 की सारी अपडेट्स जानने के लिए हमारी टीम आपके लिए है ही, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।